हेलो खमागणी बोंजू, कैसे हैं आप सब। आज का जो वीडियो लाई हूँ मैं वो है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 पे। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और आज हम कवर करेंगे सेक्शन थर्ड एंड सेक्शन फोर। सेक्शन थर्ड जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज, और सेक्शन फोर जो है प्रजम्पशन से रिलेटेड, वो सब हम आज कवर करने वाले हैं। एक बात और मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे जुडिशियल सर्विसेज के अब नोटिफिकेशंस आ गए हैं, तो बच्चे प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर चुके हैं, तो उनके लिए मैं रोज एक वीडियो बनाने वाली हूँ मेजर्स पे, और कोशिश करूँगी कि जितने भी सेक्शंस, इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, उसमें से कवर कर पाऊँ और आपकी हेल्प कर पाऊँ कंसेप्ट समझने में और रिवाइज करने में। एक बार फिर मैं कहूंगी कि आप लॉ स्टूडेंट हैं तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है, आपको रिवाइज करना पड़ेगा। चलो नाउ वी विल मूव फर्दर, स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट सेक्शन थर्ड ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। आज हम सेक्शन थर्ड डिस्कस करने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, जिसमें जो ये सेक्शन है इसमें सारे डेफिनेशन पोर्शंस आते हैं, और स्पेशली प्री का जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस सेक्शंस में बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, तो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ढंग से समझिएगा। सबसे पहली डेफिनेशन आती है कोर्ट की। न्यायालय क्या है? कोर्ट एज पर बेर एक्ट की लैंग्वेज समझे तो इसमें डेफिनेशन दे रखी है, कोर्ट इंक्लूड ऑल जजेस एंड मैजिस्ट्रेट हु आर एन अदर पर्सन हु आर लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स। न्यायालय का मतलब है कि जज, मजिस्ट्रेट या अन्य कोई व्यक्ति जो लीगली ऑथराइज्ड है एविडेंस लेने के लिए, उसको कोर्ट माना गया है, लेकिन आर्बिट्रेटर, मध्यस्थ को कोर्ट में इंक्लूड नहीं किया गया है। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। अब हम आगे मूव करते हैं। सेकेंड डेफिनेशन है फैक्ट की। फैक्ट, तथ्य। फैक्ट क्या है? फैक्ट मीन्स एनीथिंग, एनी स्टेट ऑफ थिंग्स, रिलेशन ऑफ थिंग्स, कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस, और एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच पर्सन इज कॉन्शियस। तथ्य, तथ्य का मतलब कहा गया है कि कोई भी थिंग, कोई भी चीज, जैसे कोई भी पर्टिकुलर क्राइम होता है, तो अगर कहे कि उस टाइम मोबाइल यहाँ पे पड़ा था, टेबल पे मोबाइल पड़ा था, तो ये एक तथ्य है। आपने जो सुना वो तथ्य है, वो एक फैक्ट है। आपने जो देखा वो एक फैक्ट है। रिलेशन ऑफ थिंग्स मतलब आपने देखा कि जो मर्डर हुआ तो वो एक चेयर पे बैठा हुआ था, ये जो रिलेशन बता रहा है तथ्य का, वो भी, उसको भी तथ्य कहा गया है। तो तथ्य क्या है? एक चीज होती है फिजिकल और एक होती है मेंटल। फिजिकल तो हो गई कि जो आपने सेंसेस के थ्रू देखा, जो चीजें आपने महसूस की, जो आपने किसी के बारे में ओपिनियन बनाई, वो सब कुछ फैक्ट है, तथ्य है। मेंटल कंडीशन मतलब आपने पढ़ा होगा, जब अपन आईपीसी पढ़ते तो उसमें आता है मेंस रिया, मतलब मोटिव, इंटेंशन। तो अगर आपका मेंटल कंडीशन से आप किसी चीज को समझ रहे हैं, कि उसका इंटेंशन आप समझ रहे हैं कि वो बंदूक लेके खड़ा है, तो मतलब उसका इंटेंशन है कि वो उसको मारने वाला है, तो ये सब भी एक फैक्ट है। तो आपको समझ में आ गया फैक्ट क्या होता है? एनीथिंग, एनी स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग विच आर केपेबल ऑफ बींग परसीव्ड बाई सेंसेस, जो सेंसेस के थ्रू आप समझते हैं, और कोई मेंटल कंडीशन जिसमें आप कॉन्शियस हैं। तो अगर आप किसी के बारे में कोई व्यूज, ओपिनियन बनाते हैं तो भी तथ्य, फैक्ट है। आप कुछ सुनते हैं तो भी फैक्ट है। आप कुछ देखते हैं तो भी वो फैक्ट है। आई होप यू गॉट इट। नाउ वी विल मूव फर्दर। अब आता है रेलिवेंट। अब रेलिवेंट के बारे में हम ऐसे समझेंगे कि चलो कोर्ट, हम ये समझ में आ गया कि ये तथ्य है, लेकिन जब भी कोई केस होता है तो उसमें तथ्य, फैक्ट्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनमें से रेलिवेंट कौन से हैं? कोर्ट में वो एडमिट होते हैं। रेलिवेंट मतलब जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं,
रेलिवेंट इन सिंपल फॉर्म में हम समझें तो उसका मतलब होता है व्हेन वन फैक्ट इज कनेक्टेड विद अनदर, जब एक तथ्य दूसरे तथ्य से जुड़ा हुआ तो उसको रेलिवेंट कहा जाता है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। अब आगे हम मूव फर्दर करते हैं और दूसरी डेफिनेशन है फैक्ट एन इश्यू। फैक्ट एन इश्यू का मतलब होता है विवादक तथ्य, कि उसका है कि जब जो मेन इश्यूज है जिस पे पूरा केस रिवॉल्व करता है, या फिर ऐसे इश्यूज जिस पे जजमेंट डिलीवर किया जाता है। जैसे हम इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं, ए और बी है, ए जो है बी का मर्डर करता है, तो जब केस स्टार्ट होगा तो उसमें से फैक्ट एन इश्यू क्या है कि ए ने बी का मर्डर किया। क्या पता बी ने उस ए का इंटेंशन था बी का मर्डर करने का, ये एक फैक्ट एन इश्यू है। क्या पता बी ने प्रोवेक किया उसको ए को, इसलिए उसने उसका मर्डर किया, ये भी एक फैक्ट एन इश्यू है। तो जो पॉइंट्स ऑफ इश्यूज किसी केस में होते हैं, जिस चीज पे डिस्प्यूट, जो पॉइंट्स पे डिस्प्यूट पे आप बहस होगी, वो फैक्ट एन इश्यू होते हैं। अगर बेयर एक्ट की लैंग्वेज देखें तो वो कहता है एनी फैक्ट फ्रॉम विच ईदर बाई इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंट नेचर और एक्सटेंट ऑफ एनी राइट लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी असर्टेड और डिनाइड इन एनी सूट और प्रोसीडिंग, ये सब कुछ फैक्टिव इश्यू है। तो समझ में आ गया है कि जो भी मेन पॉइंट जिसपे जो भी ये डिस्कशन होता है जिसपे जजमेंट डिलीवर होगा, दोज आर कंसिडर्ड एज फैक्टिव इश्यू। अब दूसरा पॉइंट आता है डॉक्यूमेंट के बारे में। डॉक्यूमेंट, दस्तावेज, डॉक्यूमेंट का मतलब होता है एनी मैटर डिस्क्राइब्ड और एक्सप्रेस्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मींस ऑफ लेटर, फिगर, मार्क्स और बाय एनी मींस विच इंटेंडेड टू बी यूज। अब जैसे कोई चिन्ह है, किसी मैप या प्लान, मैप या प्लान है वो डॉक्यूमेंट है। इंस्क्रिप्शन है मेटल प्लेट पे, वो एक डॉक्यूमेंट है। दस्तावेज कुछ भी हो सकता है, अगर जैसे कोई राइटिंग है वो एक डॉक्यूमेंट है, रिटन मटेरियल है वो डॉक्यूमेंट है। तो दस्तावेज जो भी चीज़ें चिन्ह द्वारा, अक्षरों द्वारा कोई चीज़ लिखी हुई है, खोदी हुई है, इंग्रेव की हुई है, वो सब कुछ डॉक्यूमेंट्स में आता है। अब आगे प्रोसीड करते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन आती है एविडेंस, साक्ष्य, जिसपे पूरा इंडियन एविडेंस एक्ट रिवॉल्व करता है। साक्ष्य, इसमें एविडेंस दो तरह के बताए गए हैं, ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओरल एविडेंस वो है जो स्टेटमेंट, ऑल द स्टेटमेंट विच कोर्ट परमिट और रिक्वायर्ड टू बी मेड बिफोर बाय विटनेस इन रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट एंड द इंक्वायरी। मतलब कोर्ट जो परमिट करता है, विटनेसेस जो स्टेटमेंट्स देते हैं कोर्ट के सामने, वो सब ओरल एविडेंस को कहा गया है। और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में होते हैं जो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के सामने प्रस्तुत होते हैं फॉर इंस्पेक्शंस, दीज आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो स्पेशली एविडेंस दो तरह के हो गए, एक तो ओरल एविडेंस, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब दूसरी डेफिनेशन आती है प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड एंड नॉट प्रूव्ड। प्रूव्ड का सिंपल लैंग्वेज में समझे तो मतलब होता है साबित करना। प्रूव्ड कि एक फैक्ट है, हम फैक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तथ्य की, तथ्य के प्रूफ की बात कर रहे हैं कि एक फैक्ट प्रूफ कोर्ट को लगता है कि हाँ ये फैक्ट प्रूव हो सकता है, इसका इसकी एग्जिस्टेंस कंसिस्ट करती है, ये एग्जिस्ट करता है। और कोई भी नॉर्मल समझ के व्यक्ति को सर्कमस्टेंसेस देख के ऐसे लगे कि हाँ ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है, तो उस फैक्ट को प्रूव माना गया है। डिसप्रूव, अगर कोई फैक्ट नॉन एग्जिस्टेंस इन नेचर है, जो एग्जिस्टेंस ही नहीं करता है, और उसकी सर्कमस्टेंसेस ऐसी है कि कोई भी नॉर्मल समझ का व्यक्ति उसको देख के उसे लगे कि इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, उस फैक्ट को डिसप्रूव माना गया है। और तीसरी चीज है नॉट प्रूव्ड। नॉट प्रूव्ड का मतलब है जो फैक्ट ना तो प्रूव्ड है ना डिसप्रूव्ड है, जो फैक्ट के बारे में ना तो उसका एग्जिस्टेंस है ना एग्जिस्टेंस ना नॉन एग्जिस्टेंस है, दोनों चीजें नहीं है, तो फैक्ट नॉट प्रूव्ड माना जाता है। ये तो हो गया सेक्शन 3। अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 4, जिसमें है प्रेजम्पशंस रिलेटेड, मे प्रेज्यूम, शैल प्रेज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ। मे प्रेज्यूम को सिंपल लैंग्वेज में समझे तो इसमें होता है कोर्ट का डिस्क्रिप्शन,
कोर्ट हैज डिस्क्रिशन, कोर्ट मे प्रिज्यूम द फैक्ट, कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशन है कि वो किसी फैक्ट को मे प्रिज्यूम करे, लेकिन वो चाहे तो उसे प्रिज्यूम कर सकता है, चाहे नहीं भी कर सकता, या फिर वो पार्टीज को कहेगा कि तुम इस चीज को प्रूव करो। तो मे प्रिज्यूम तो होता है जब डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट इज देयर। शैल प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम में कोर्ट का डिस्क्रिशन नहीं होता, कोर्ट इज कंपेल्ड टू टेक द फैक्ट टू बी प्रूव्ड। लेकिन इसमें अपोजिट पार्टी जो है वो उसकी लिबर्टी रहती है कि वो फैक्ट को डिसप्रूव करे। तो इसमें कोर्ट का डिस्क्रिशन नहीं रहता, कोर्ट को उस फैक्ट को शैल प्रिज्यूम ही करना पड़ेगा, लेकिन अपोजिट पार्टी के पास ये हक है कि वो उस फैक्ट को डिसप्रूव करे। कंक्लूसिव प्रूफ है, कोर्ट प्रिज्यूम करता है फैक्ट टू बी प्रूव्ड, एंड ऑल्सो अपोजिट पार्टी हैव राइट टू डिसप्रूव इट। तो ये जो सारे सेक्शंस मैंने बहुत ही फास्ट आप सबको समझाए हैं ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।